बीते वर्ष हुए एक डबल मर्डर मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को छोड़ पीड़ित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के विरोध में पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा कमिश्नर कार्यालय के सामने मिट्टी का तेल छिड़क आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते पुलिस ने उसे पकड़ हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही है, जिसमें दोहरी हत्या भी हो गई थी। साथ ही दोनों पक्षों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। उनका कहना है कि मामले की जांच के लिए एसपी देहात को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही आत्मदाह की कोशिश करने वाले के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से सुरेश दहिया की रिपोर्ट। देखिए, वो लोग अभी आए थे, पूरे प्रकरण की जानकारी मैंने की है। एसपीआरए को बुलवा लिया गया था, डबल मर्डर का एक प्रकरण था, उसमें इनका ये कहना है जिन लोगों ने आत्मदाह किया है कि जो गवाह हैं उसके उनकी तरफ से जिन लोगों के यहाँ का मर्डर हुआ है उन पर दबिश दी जा रही है, उन पर उनको ढूंढा जा रहा है या उनको पुलिस परेशान कर रही, इस तरह की बात उन्होंने बताई। जिसने आत्मदाह का प्रयास किया था वो थाने पर उसको भिजवा दिया गया, उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसपीआरए उसकी जाँच करके आज ही मुझे अवगत करा देंगे। प्रथम दृष्टया जितना हमारे अधिकारियों ने बताया है ये आपसी रंजिश, प्रधानी की रंजिश का प्रकरण था। दोनों तरफ से कई मुकदमे कायम हो चुके हैं, दो लोगों की हत्या भी हो चुकी है और आवश्यक सुरक्षा जो दी जानी है उनको वो पहले प्रदान कर दी गई है। इसमें आगे कोई और घटना दुर्घटना न हो उसके लिए समस्त प्रयास करने के लिए मैंने इसके ग्रामीण को बता दिया है।